सोचिए अगर आपको पता चल जाए कि आपकी मृत्यु कब होगी तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। और उससे भी बड़ी बात अगर आपको ये पता चले कि कोई अपनी मौत का सिर्फ तारीख ही नहीं बल्कि समय और उसके पहले सारे इंतजाम कर रहा है ताकि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों को कोई परेशानी ना हो, तो आप कहेंगे ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, भला सच्ची जिंदगी में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप बिहार में हैं तो यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार के वैशाली जिले में, जहां एक महिला ने मदर्स डे पर, एक तरफ जहां पूरी दुनिया अपनी माँ को स्पेशल फील करवाने में लगी हुई थी और सभी माएं अपने बच्चों के लिए भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और उनके सर से कभी माँ और बाप का साया दूर ना हो, तो वहीं दूसरी ओर एक माँ बिहार में ऐसी भी थी जो अपने बेटे से तंग आकर अपने मृत्यु का समय और तारीख तय कर खुद के लिए कब्र खुदवा रही थी। जी हाँ, पूरी खबर आपको आगे की रिपोर्ट में हम बताएंगे। उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन पीयूष के साथ। खबर बिहार के वैशाली जिले से है, जहां एक 60 साल की बूढ़ी मां ने अजीबोगरीब फैसले लेकर सबको हैरान कर दिया है। जी हां, वैशाली थाना क्षेत्र के दाऊद नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 की रहने वाली ये महिला मदर्स डे के दिन अपने बेटे से परेशान होकर कुछ ऐसा कर डाली है जिसे देख सबकी आंखें चौंधिया गई हैं। गांव के स्वर्गीय राजेंद्र साह की 60 वर्षीय पत्नी जानकी देवी ने यह घोषणा कर दिया है कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है। जी हां, अब इस अजीबोगरीब घोषणा के बाद उस महिला के अंधविश्वास को सच मानकर उनके घर पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इतना ही नहीं बल्कि महिला जिस भरोसे के साथ अपने मरने की जानकारी दे रही थी और तैयारी में जुटी हुई थी, जिसे देख गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, जिसके बाद अब महिला के घर के पास पुलिस ने चौकीदार को लगा दिया है ताकि कोई घटना को अंजाम ना दिया जाए। अब बताया आपको हम, अब इसकी वजह क्या रही कि आखिर कैसे वो महिला इतनी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मौत की जानकारी दे रही थी, तो वजह यह है कि 60 साल की वृद्ध महिला को इस बारे में सपना आया था। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि महिला अपनी मौत से पहले ही अपने अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर चुकी है। जी हाँ, तैयारी भी ऐसी जिसमें जानकी देवी की चाहत है कि उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से किया जाए, जिसके लिए अपनी खुद की खरीदी हुई 5 डिसमिल जमीन में कब्र खोद कर महिला ने खुद को दफन करने के लिए मजदूरों को पैसा दे रखा है। कब्र में बिछाने के लिए लकड़ी की तख्ती भी मंगा रखी है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले 25 से 30 गरीबों के बीच कपड़ा, अनाज और पैसा भी वो बांट चुकी हैं। लेकिन ऐसे गरीब महिला के घोषणा के बाद जिस तरीके का हरकत वो कर रही है, उससे गांव वाले और साथ ही पुलिस वाले भी हैरान हैं। गांव वालों की माने तो उनका कहना है कि जानकी देवी अपने बेटे वंदा साह की वजह से काफी परेशान रहती है। महिला के पति की करीब 15 साल पहले मौत हो गई थी और तभी से जानकी देवी खुद की कमाई से अपना भरण पोषण करती हैं, क्योंकि उनका जो बेटा है उसका व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों की माने तो उसका बेटा कभी उसे माँ समझता ही नहीं है और शायद यही वजह है कि अपने सपने को सच करने के लिए 60 साल की वृद्ध महिला इतनी व्याकुल है, या फिर यूं कह लें कि उस कलयुगी बेटे से इतनी ज्यादा तंग है कि खुद की मौत का भी जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। माना कि इस वृद्ध महिला का ये अंधविश्वास है, लेकिन सोचिए जरा, जहां आज पूरी दुनिया जिंदगी हंसी खुशी से जीने के लिए दिन रात एक कर मेहनत कर रही होती है, जरा भी शरीर में खरोच आ जाए तो एकदम से लोग घबरा जाते हैं कि कहीं आगे चलकर कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए और जिंदगी से वो हाथ ना धो बैठे। अब ऐसे वक्त में एक बूढ़ी माँ अपने लिए कभी कब्र खुदवा रही है तो कभी लोगों को खुद के ही मरने का समय और तारीख बता रही है, तो उस माँ के भीतर क्या कुछ गुजर रही होगी, क्योंकि मरने की बातें करना और मरने की तैयारी करना काफी कुछ बयां कर जाती है। अब हम आपको असली मकसद बताते हैं कि इस खबर को हम आपके सामने क्यों दिखा रहे हैं, तो सुनिए। माना कि बीते दिनों पूरे देश ने मदर्स डे मनाया, अपनी माँ को खुश किया, सोशल मीडिया का जमाना है, वहां भी फोटो पोस्ट किया, लेकिन बात सिर्फ एक दिन की नहीं है,
बात बस यही है कि प्यार करने और उसे जताने और साथ ही उसे निभाने में काफी ज्यादा फर्क होता है। तो कभी भी अपनी माँ को इस कदर आप दुखित ना करें कि उसे खुद की ही कब्र खोदनी पड़ जाए। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को साझा भी करें ताकि लोगों को भी पता चल सके कि मदर्स डे सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती है, पूरे साल आप मदर्स डे मनाएं और अपनी माँ को खुश रखें। अपने माँ पिता अपने पूरे परिवार को इस कदर परेशान ना करें कि उसको अपनी कब्र खुदवाने की नौबत आ जाए और कुछ इस तरीके से वो आदमी अपने मौत का भी जश्न मनाते हुए नजर आए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।